शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से लगा दिया ना किराया भर भर के, ये पायलिया दो मिनट कहीं टिक नहीं सकती है, फुर्र हो जाती है झट देने से। अब हम क्या करें अम्मा? लो आ गई अम्मा। टेढ़ा सोचोगी तो तुम्हारा मुंह भी टेढ़ा हो जाएगा। अरे हमारा मुंह टेढ़ा है कि सीधा, उसका चिंता तुम मत करो। और तुम तो सीधी रहा करो, तुम्हारे इंतजार में देखो मीटर टिक टिका रहा है, कितना किराया बढ़ा दिया। अरे फल और मिठाई भी खराब हो गए, सब कुछ दोबारा से लेना पड़ेगा, वेंडर के पास भी जाना है। अम्मा हमने कहा था ना सब्र का फल मीठा होता है। अरे बंद करो इसको, बहुत होशियार है हमारी बिटिया। अरे फूलो फलो। अरे हा 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 चल हा? अरे मीटर टिक टिकाए रहा है, चल बाद में चल। मेरा पर्स कहाँ गया? कहीं वो लड़की मेरा पर्स चोरी करके तो नहीं भाग गई? अब मैं वेंडर को पैसे कैसे दूंगी? फल और मिठाई ये सब कैसे खरीदूंगी? मेरा पर्स और पैसे चोरी करके भाग गई, अब मैं क्या करूं? अब जो करना कीजिए आप लोग। अरे आप लोग को दिमाग उमाग नहीं है का? हर 10 मिनट में आपकी बेटिया गाड़ी को रुकवाती रहती है, कहती रुकिए रुकिए, अब फिर सेल्फी लेती है। अरे हमारा भी टाइम खराब हो रहा है। ए भैया पैसा भी तो दे रहे हैं, काहे बड़बड़ा रहे हो? तुम कानपुर में पहली बार आए तो सेल्फी आएंगे नहीं का? अरे लड़की फोटो लेने गई है तो क्या दिक्कत है? देखिए बहन जी पैसा दे रहे हैं भाड़ा, कोनो गाड़ी नहीं खरीद ली है समझे? अब दिमाग हो गया, अब हमारा बहुत खराब, अब फटाफट उतार दिए। बुलाए पुलिस को, उतर जाएगा कि नहीं? अरे उतरिए, अब जाइए, आप कोनो और ऑटो कर लीजिए। देखो तुम नौटंकी मत करो, समझे हो? देखिए भैया हम आपसे बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। क्या हमारी अम्मा को उतारेगा? तुम्हारी गर्दन में उतार देंगे ये। देखिए आप 4 फोटो खिंचवाइए या 50 फोटो खिंचवाइए, हमको क्या लेना देना। अरे मैडम हमको छोड़ दीजिए, मर जाएंगे नहीं। जानते नहीं हो हमारी बिटिया को तुम, समझे? हाँ छनछनाई देगी तुमका। चल बैठ। चलो चलो। हे भगवान, हमने बोला था श्रद्धा इस समय पे आ जा, पर महारानी जी तो अपने ही वक्त पे आएंगी। वो कहाँ रह गई समझ में नहीं आता इसलिए। श्रद्धा आ गई तुम, सारा कुछ ले आई ना, मिठाइयाँ फल वल सब लाई हो ना, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। मिठाई? अरे ये क्या है, तुम मिठाई लाई हो कि प्रसाद? ये कैसे फल लाई हो भाई तुम? वो मम्मी जी रास्ते में फल और मिठाई गिर गए थे और कंधे हो गए। ऐसे तो दिन रात यही दिखाती रहती हो कि तुम कितनी दरिया दिल हो, तो फिर दोबारा खरीदने में काहे कंजूसी की? मम्मी जी बाजार में मेरा पर्स कहीं चोरी हो गया।
हे भगवान, एक तो हमारा बेटा घर की, व्यापार की, यहाँ तक कि तुम्हारी भी जिम्मेदारी लेता है, और तुमसे श्रद्धा पैसों की जिम्मेदारी नहीं निभाई जाती है। मम्मी जी, अरे तुम्हें हमारा काम बिगाड़ना होता है बस। नहीं मम्मी जी, वो बाजार में शायद एक लड़की ने मेरा पर्स चोरी कर लिया, मुझे नहीं पता कि। हाँ, दुनिया निकम्मी है, चोर है, लेकिन सही तो बस तुम ही हो ना, है ना श्रद्धा? श्रद्धा तुम ना एक काम करो, तुम ना कुछ दिनों के लिए मायके चले जाओ, तो वहां पर सही और गलत का पाठ पढ़ाती रहना दिन से रात। वैसे भी यहाँ तुम करती क्या हो हमारे लिए? अरे लगता है मेहमान आ गए। श्रद्धा, ऐसी रोनी शक्ल बना के मेहमानों को भगाने का इरादा है क्या? हम तुमसे कह दे रहे हैं, हमारी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए बस। अरे आओ आओ, आइए आइए। कैसी हो? बाप रे, इतनी खुशी हुई तुमसे मिलके इतने दिनों बाद। अरे पायल बेटा, कितनी बड़ी हो गई हो। अरे खुश रहो खुश रहो, इतनी सुंदर हो गई हो तुम। अरे मनोहर बेटा, अरे कितना लंबा हो गया है ये। खुश रहो खुश रहो, बहुत अच्छा लग रहा है। तुम वही हो ना? हाँ हाँ, वही है ना आप जो हमसे टकरा गई थी। ये दोनों मिल चुकी हैं। आपको चोट तो नहीं लगी थी ना कहीं? माफ कीजिएगा हमें, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। श्रद्धा बेटा, मेहमानों के लिए नाश्ता और चाय का इंतजाम नहीं करोगी क्या? चलो जाओ। जी मम्मी जी। आंटी जी। हाँ बेटा। ये कौन है? ये वही है जिनकी जगह तुम्हें लेनी है पायल बेटा। अच्छा, तो इसमें जो कली की जगह लेनी है हमें? वाह रे राम जी, आपने भी हमें इससे ऐसे टकराया कि जैसे हमने इसकी जगह ले ही ली हो। आंटी जी, समझिए कि आपका काम हो गया। अरे भाई जरा संभल के चलिए, कहीं हमें चोट लग गई तो। श्रद्धा, हमें आपके चेहरे के बदले हुए रंग को देखकर आपके मन का पता चल गया है। अब यही सोच रही है ना कि हमने आपकी मदद क्यों नहीं की? श्रद्धा, आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है, ये जो बड़े शहर होते हैं ना, ये बड़े बदनाम होते हैं इन जेब कतरों के लिए। हाँ, फिर हमें लगा कि अगर हमने मदद के लिए आपको हाथ दिया और आपने अगर अपने हाथ की सफाई दिखा दी तो। अब चोर नहीं, आप तो बहुत अच्छी हैं। कोई नहीं, जान पहचान तो होती रहेगी। जी देखिए, चाय भी ठंडी हो रही है, पहले चाय दे दे। अरे रुकिए,
ये हमारा काम है। आखिर भाई अब हम भी तो इस घर का ही हिस्सा है ना, चले। अरे लक्ष्मी, ये हमारे पति अनुज जी हैं। ना भाई साहब। अरे लक्ष्मी और हम ना वो पुराना वाला मोहल्ला था ना, उसके बगल के घर में रहती थी। अरे हम बचपन में कितना अच्छा वक्त गुजारे हैं ना लक्ष्मी। सच में बहुत याद आता बचपन का। और ये है आरती, हमारी बेटी। अरे पैर छुओ। नमस्ते आंटी। अरे जीती रहो बेटी, अरे पैर छूने का कोनो जरूरत नहीं है। और ये है मेरा बेटा मनोहर। मन को मोह लेने वाला मनु। आयल बिटिया, अच्छा दोस्त को। और भाई साहब, ये है हमारी बिटिया पायल। बहुत संस्कारी है और इसका संस्कार तो सबसे अलग है। और जिसके भी घर में जाती है ना, झट से अपना बना लेती है और ऐसे घुल मिल जाती है सब में जैसे पानी में मिश्री। जो भी काम करती है ना, बहुत मन लगा के करती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बस सुखी, बस। अरे आप लोग ये सब क्या कर, आप लोग थके हुए आए होंगे। आरती बेटा इनको कमरा दिखाओ, सामान ले जाओ इनका। जी पापा। अरे भाई साहब, काहे इसको तकलीफ दे रहे हैं, ये है ना हमारे बिटुआ, ये उठा लेगा सामान। अरे परिवार की तरह तो हैं हम लोग, अपना जगह खुदे बना लेंगे यहाँ। ए बउआ, जाओ सामान लेके अंदर जाओ तो। अरे बउआ, जाओ सामान लेके जाओ अंदर। हम वो सामान। और बताओ। ये मनोहर ना स्वागत से पहले ही घर से निकलवाएगा। अरे ओफ, ये श्रद्धा कहीं बटुआ ना देख ले अपना। पता नहीं क्या हुआ। अरे लक्ष्मी, तुम ठीक तो हो ना, कहीं लगी तो नहीं? पता नहीं साड़ी कैसे अटक गया था, अबे थके हुए भी तो है ना तनु। हमें दुकान में थोड़ा काम था, हम आते। हाँ हाँ जाए। अरे एक काम करो, थोड़ी अपनी कमर ना कमरे में सीधी कर लो, और गप्पे तो हम बाद में भी मार लेंगे। हाँ चलो, हम तुम्हें कमरा दिखा देते हैं। हाँ आओ आओ, सामान लेके आओ। और पायल बेटा तुम भी चलो आओ। हाँ
भाभी, ये लोग थोड़े अजीब नहीं लग रहे? हाँ कीर्ति। दीदू जल्दी आइए, वो कियारा आप बस आइए। बच्ची हमारी, चुप हो जा। अबे हम क्या करूं? कीर्ति, तुम्हें तो वक्त बेवक्त घूमने फिरने की आदत हो गई है। इतनी छोटी सी बच्ची को अभी से ये आदत लगाने की क्या जरूरत है? अरे इतनी सी बच्ची को कौन ले जाता है घुमाने के लिए? मदद नहीं कर सकती ना, तो सुनाइए भी मत। हमारी बच्ची है, हमारा जो मन करेगा वो हम करेंगे। कियारा, क्या हो गया कियारा को? पता नहीं, बाहर से जब से आई है रोए जा रही है। हम इतना सुनाने की कोशिश कर रहे हैं पर चुप ही नहीं हो रही है, समझ नहीं आ रहा हमें। अगर अभी नैना भाभी होती ना तो फौरन इसकी नजर उतारती। कीर्ति, जाइए हम देख लेंगे। कीर्ति, मैं भी चलती हूँ, ऊपर कुछ मेहमान आए हुए हैं ना, तो उन्हें भी देखना है। बस बस बस, अब तो हमें भी रोना आ रहा है। देखो, गुड़िया रानी को हमें सुलाना था और नहीं रुलाना था। हाँ, अगर ऐसे लोरी गाकर बच्चे सो जाते ना, तो हम खुद अपनी सुरीली आवाज में नहीं गाकर इसे सुला देते।
श्रद्धा की ममता गुड़िया रानी को चैन की नींद देती है, लेकिन तुम नहीं समझोगी। तुम एक काम करो, तुमसे और तो कुछ हो नहीं पाएगा, तो तुम आराम करो, हम श्रद्धा को बुलाकर लाते हैं। और उन खास मेहमानों को भी जाकर देखती हूँ कि है कैसे। तब तक ना तुम लोरी मत करना, चुप रहना। ये लो लक्ष्मी, मिठाई खाओ। तुम भी खाओ। तो बताओ कैसा लगा हमारा घर? अरे हम कह रहे थे ना कि तुम्हें यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, हमरी तन्नू के तो भागे खुल गए भाई। हाँ, अरे इतना अच्छा सजाई हो तुम अपना घर, बहुते बढ़िया है, बहुते बढ़िया। तन्नू, इस दिक्कत का कोई हल निकाल लो। श्रद्धा, हमें तुम्हारे साथ जरूरी काम है, चलो हमारे साथ। मम्मी जी, इस वक्त कहाँ जाना है? क्यों, अगर हम तुम्हें नहीं बताएंगे तो तुम नहीं चलोगी क्या हमारे साथ? चलो हम रास्ते में तुमको बताते हैं, आओ। ये मेहमान को छोड़कर तनुजा भाभी कहाँ चल रही है अपनी बहू को लेकर? तनुजा जी, आप आइए ना। श्रद्धा बेटा, हमें पहले बता दिया होता तो हम चाय नाश्ते का इंतजाम कर लेते। अरे वो तो हमने इसे मना किया था कि बेकार में दिखावा करके क्या होगा, इसीलिए। अच्छा, तो आप अंदर चलिए ना, हम चाय नाश्ता लगाते हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं अश्वी जी। तनुजा जी, आप अंदर नहीं बैठना चाहती है तो आप यहाँ बैठ जाइए ना, हम यही चाय नाश्ता ले आते हैं। यशवी जी, एक काम करिए आप ना यहाँ श्रद्धा के साथ ही बैठ जाइए। तो हमारा काम तो हो गया, तो अब हम चलते हैं। और हाँ, हम बहुत दिनों से श्रद्धा की आंखों में देख रहे थे कि उसे आपके पास आके रहने का मन कर रहा है, तो बस हम उसे ले आए। और जहाँ तक घर के कामों का सवाल है, वो तो काफी महीनों से हम खुद ही कर रहे हैं, अब तो आदत सी पड़ गई है। वैसे भी श्रद्धा कभी कीर्ति के साथ, तो कभी कीर्ति के बच्चे के साथ, तो कभी साड़ी के बिजनेस में लगी रहती है, तो हमने सोचा कि आपके पास आ जाएगी ना तो ज्यादा आराम कर पाएगी। तो अब हम चलते हैं, नमस्ते। श्रद्धा बेटा, ये तनुजा जी को क्या हो गया है अचानक? कौन है ये? मम्मी जी के मेहमान आए, ये उनकी सहेली की बेटी है। फिर कभी अगर बाथरूम की जरूरत पड़े तो आरती के कमरे का बाथरूम इस्तेमाल करें, वरना पति पत्नी के बीच या उनके कमरे में कोई भी आए, ये अभय को बिल्कुल पसंद नहीं है। इस घर में, इस कमरे में और अभय की जिंदगी में बहुत जल्द तुम्हारे दिन खत्म, अब तो हमारे दिन शुरू। अब तो तुम्हारे बोरिया बिस्तर समेट के जाने का समय आ गया है। किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती, श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।